आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, असेसमेंट ईयर 23-24 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हो जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 23-24 की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर गलत फाइल करी थी, उनकी डिमांड आनी शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे, ये रिटर्न फाइल करी गई थी 1 जून 2023 को और इसके बाद इसकी डिमांड आ गई 17,000 रुपए की। तो भाई ऐसा क्या हुआ कि जो 17,000 रुपए की डिमांड आ गई? भाई देखो, जब आप इसका कंपैरिजन करोगे जो इंटीमेशन आई है अंडर सेक्शन 143(1) के हिसाब से, तो आप यहां पर देखोगे कि जिन्होंने आईटीआर भरी है उनके हिसाब से भी 16,930 रुपए की लाइबिलिटी बनती थी। तो भाई अगर ये लाइबिलिटी बनती थी तो आपने टैक्स पे क्यों नहीं किया? आपने टैक्स पे बिना किए ही आईटीआर क्यों फाइल कर दी? तो आप 17,080 रुपए की डिमांड पे करो। भैया इस वाले केस में ऐसा हो सकता है, या तो इन्होंने टैक्स की पेमेंट करी हो, टैक्स की पेमेंट करी हो लेकिन उसका चलान ना डाला हो। अब ये सारी चीजें तो हमारे को पूरी आईटीआर देखने के बाद ही पता लगेगी, लेकिन अगर अब इस तरह की इंटीमेशन आ गई है जिसमें 17,080 रुपए की हमसे डिमांड मांग रहे हैं, तो इस केस में करना क्या है? तो भाई देखो, यहां पर इस केस में क्या लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि 30 दिनों के अंदर आप इस डिमांड को पे कर दो, अगर आपको लगता है ये डिमांड सही है। और आपको ये डिमांड कैसे करनी है पे? आप यहां पर ई फाइल में जाना, ई पे टैक्स में जाना, न्यू पेमेंट में जाना और डिमांड पेमेंट पर जाकर क्लिक कर देना, आप पेमेंट कर दोगे। और साथ में अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो भी पे करना है। अरे सर, ये तो हमारी डिमांड गलत है, हम इसे पे नहीं करना चाहते, क्या हम अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं? रिटर्न्स को रिवाइज नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कि आप एक रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। आप यहां पर सर्विसेज में जाकर एक रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और रेक्टिफिकेशन फाइल करके जो आपकी गलती है उसे सुधार सकते हैं। तो भाई मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि अपनी आईटीआर को सही से फाइल करो, अब भी कह रहा हूं। अब हो सकता है इन्होंने 500,000 रुपए के लालच में या तो आईटीआर खुद फाइल कर दियो, या हो सकता है 200-300 रुपए वाले व्यक्ति से आईटीआर फाइल करा लियो। अब इसके अंदर इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, अब इसका जो भी व्यक्ति समाधान करेगा वो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए लेगा, तभी इसका समाधान करेगा। तो भाई जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जरा ध्यान से फाइल करें। अगर किसी को आईटीआर फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा बैलेंस शीट और आईटीआर का कोर्स ले ले, या हमारी टीम से अपनी क्वेरी भेजकर कंसल्टेशन ले ले, उल्टी सीधी आईटीआर फाइल ना करें। इसी तरीके से अगले महीने से GSTR 9 फाइलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये GST का हमारा कोर्स आया हुआ है भाई, सैटरडे संडे को, तो अब GST की पूरी नॉलेज लेकर ही आप GST में काम करें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 की डिमांड आनी शुरू हो गई है आपको भी? अगर नहीं आनी शुरू हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आप मुझे बताना, ये जो आईटीआर भरी गई है, या तो उस व्यक्ति ने खुद भरी होगी, या आपको क्या लगता है 200-300-500 वाले ने भरी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और आप ऐसी गलती ना करें जल्दीबाजी के चक्कर में। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।